नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील। आपके अपने YouTube चैनल काऊ फार्मिंग में आपका स्वागत है। तो आप सामने देख सकते हैं हरियाणा नस्ल की जो गायें आप सामने देख रहे हो शांति, और आज की जो मेरी विजिट है वो है गांव सातरोड, छोटी सातरोड हिसार के पास ये गांव है। और यहां पर नसीब सर हैं जो काफ़ी अच्छा पशुधन रखते हैं और स्पेशली गायों पर काम करते हैं। तो ये 19 बार ये गौ माता खिताब जीत चुकी है, 19 बार की चैंपियन गौ माता आप देख रहे हैं सामने। तो काफ़ी सुंदर गौ माता, ये देखिए अदर क्वालिटी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और मैं इसके लिए नया हूँ तो मेरे से थोड़ा परेशान है ये गौ माता। चेहरे मुरे की बनावट आप देखिए, सींगों की बनावट आप देखिए, और मेले में से अभी आई है ये, थोड़ा सा वैसे भी परेशान है। तो अदर क्वालिटी आप देख सकते हैं, ये देखिए जो नसों का जंजाल आप देख सकते हैं अदर के अंदर, और मिल्क वेन देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन। डेढ़ से दो महीने के आसपास अभी इसे बच्चे को पैदा किए हुए हो गए। तो चारों तरफ से आपको इसका व्यक्तित्व एक बार जरूर दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखें बहुत ही सुंदर गौ माता। तो सामने आप देख सकते हो, नसीब सर को देख सकते हो, एक बार हाथ हिला करके अभिवादन जरूर स्वीकार करें। तो नमस्कार जी। नमस्कार भाई, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगा कि जो शांति गौ माता है अपनी, तो इसने कितनी बार खिताब जीता है? इसने 19 बार जीते। अच्छा, 19 बार की चैंपियन गौ माता है। हाँ, दूध में भी और सुंदरता में भी, सुंदरता और ब्यूटी दोनों में। हाँ जी, ठीक है जी। ड्राई में भी लेके आइए, ड्राई मिल्क ब्यूटी, ड्राई मिल्क ब्यूटी सारे जीत रखे। अच्छा अच्छा, हाँ। तो टोटल कितना, मतलब कितने इनाम राशि जीत चुकी है पैसों में? कितने कम ज्यादा 17-18 लाख रुपए तो हो गए होंगे कम से कम। अच्छा अच्छा, 17-18 लाख रुपए के आसपास कम कमाए। अच्छा अच्छा, तो कौन सी शुभ घड़ी थी जब इसको आप लेकर के आए अपने घर? तो इससे पहले भैंसों का व्यापार आप करते थे? भैंसा व्यापार नहीं कराया करते, लिया अच्छी भैंस रखा करते, बढ़िया। सीआरपी में भी 24 किलो की एक दो भैंस लगाई है, बढ़िया। हाँ हाँ हाँ। बाकी अच्छी क्वालिटी के भैंस रखा करते, फिर कौन ही भाई घाटा है कि दुकान दिखी शौक सा बड़का कौन था। हाँ हाँ। फिर परमात्मा की दया से गाय मिल गई, फिर मैंने अपना गाय पे कुछ, हमारे हरियाणा में गौ माता की कदर कम हो रही थी। हाँ हाँ। इसलिए मेरे दिमाग में आई भाई गौ की अगर आप ही उस पर चला तो लोग कुछ हमारे से जुड़ जाए और इन गायों का भला हो जाए। हाँ जी, इसलिए गायों पर मुहिम चला दी ताकि लोग, आज ज्यादा तो नहीं कह सकता, हरियाणा में लाखों लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। हाँ जी, गाय के बारे में पूछते हैं, गाय दिला दोगे अंकल जी, ये चीजें चलती है। हाँ जी, हाँ, आज के दिन ज्यादा लोग जुड़ गए, देसी गाय पर ज्यादा प्रभाव हो रहा है लोगों का, पैसों से हाँ जी ज्यादा दूर हट रहे हैं, गाय पर ज्यादा आ रही है। क्योंकि देसी गौवंश का जो दूध है वो भी काफी उपयोगी माना जाता है भाई, दूध का तो कहना है कुनी। और घर में भी अगर रहना है तो घर में भी अगर रखते हैं तो वो भी बहुत फायदेमंद होती है। ये ऐसा है, आजकल डॉक्टर कोई भी बीमारी हो गाय के दूध के साथ दवाई बताते हैं। हाँ जी जी, और इसका कुछ देखा है डॉक्टरों ने भी, इस दूध में कुछ है, हमारे डॉक्टर भी जागरूक हुए हैं साइंटिस्ट। हाँ, अगर रिसर्च के हिसाब, साइंस के हिसाब से भी देखा जाए तो इसके गुण में बहुत, मतलब दूध में गुणवत्ता है, बिल्कुल है। दूध के अंदर ए टू मिल्क क्वालिटी होता है इसका, मैं आपको बता देता हूँ। तो वो मतलब 18 से 20 बीमारियां तो वैसे ही ठीक करता है। हाँ। जो उसकी ये आप हम्प देख सकते हैं, तो इस हम्प के अंदर सूर्य केतु नाड़ी मतलब होती है, तो ये ऑब्जर्व करता है सूर्य की किरणों को। हाँ। तो इस पे हाथ फेरने से भी गौ माता के काफी रोग कटते हैं, ब्लड प्रेशर ठीक रहता है या अन्य कोई चीजें, शुगर की बीमारी है, कई बीमारियों का हो। हाँ हाँ। और एक चीज और मैं आपको गौ माता के बारे में बताना चाहूंगा कि अगर गौ माता जहर भी खा ले तो उसके दूध में उसका प्रभाव नहीं आता। हाँ। क्योंकि इसके अंदर एक ग्रंथि होती है, वो उसको प्योरीफाई फिल्टर का काम करती है। तो ये साइंटिफिक अगर तरीके से भी देखा जाए तो भी गौ माता बहुत उपयोगी है। तो जी, इसके अलावा आपके पास कितने गौवंश हैं? मेरे पास 3 और है भाई। अच्छा, एक इसका बछड़ा है। अच्छा, एक बच्चा है इसका। हाँ, एक बच्ची है इस ब्यात की, बछड़ा पहले ब्यात का है। हाँ हाँ। उससे पहले एक बच्चा सुरेंद्र सनसनीवाल ले गया था मेरे से सीमन बैंक में शांति का। अच्छा अच्छा जी। और एक भाई नीतीश है अपना जिंद, तो उसके क्या कुछ आपने कीमत पे बेचे हैं वो सब? वह लगा लो 1-1.5 लाख के दोनों, 11 का 1.25 का। अच्छा अच्छा, दोनों बछड़े बेचती है 11, क्या मतलब 11? 1,11,000 का सुरेंद्र। अच्छा, ले गया है। ठीक है जी। और वो भाई जो जिंदाला हो भी 1-21 का ले गया होगा शायद, 11 का हो भी। और भी कोई गौ माता आपने मतलब इसकी जो बच्ची कोई सेल करी हो? हाँ, एक बच्ची करी थी, नेपाल गई थी भाई, 2.5 लाख की गई थी, जोड़ा था वो 2.5 लाख में, दो बच्चियाँ थी। अच्छा अच्छा जी। और एक बच्ची इसकी 60,000 की गई थी, ब्यान लग रही थी जब हमारे कोई यारे प्यारे हैं सरदार जी, उन्होंने ले ली थी। अच्छा अच्छा जी। हैं, बाकी तो ये देख लो इसका है, मान ले
जिंदवाला मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उसने देसी गाय अपना फार्म बना रखा है खुद का। अच्छा अच्छा। 15-20 गाय ले रहा है, वो अपने गायों को आगे तैयार करने के लिए मेरी शांति का सांड ले गया है। अच्छा अच्छा। उसका हो सकता है शायद 5-6 महीने में कितना पीक पे कितना वो दिया जी दूध गौ माता ने? रूटीन में भाई घर अपने 16-17-18 मेला में भी काट है, 17-18-19-20 तक भी काट है मेला में। अच्छा अच्छा। कई मेला में दूध की रिकॉर्डिंग है इसकी, तो इसका हाईएस्ट मतलब कितना मिल्क इसने दिया होगा? आई अरमित बाछट आई रिकॉर्ड तो 21 किलो कुछ का इस ब्यात का करवा था रिकॉर्ड। अच्छा अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक है। हाँ तो बाकी 19,560 का भी है, 18 का भी है, 17 का भी है, 14 का भी है, जैसे जैसे चली। हाँ अलग अलग समय पे अलग अलग प्रतिगी जैसे तैयारी मार दे आज भी निकाल दे। हाँ जी जी। हाँ उसकी कोई एक बार गौ माता को चला करके दिखाओगे थोड़ा सा? एक बार थोड़ा सा इधर ही, वैसे तो चल रही है, थोड़ा सा परेशान करना चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा मैं। हाँ उधर ही कोल्ड इसमें बरंडे से भी चला दो। तो ये देखें आप, जो कि 17-18 लाख रुपए के जो इनाम राशि जीत चुकी है ये गौ माता, तो बहुत ही सुंदर हम की बनावट देखिए और अडर बहुत ही बेहतरीन। बांधो जी बांधो, तो बहुत ही सुंदर गौ माता है। और मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से गौ माता इनके घर में आई, तो देखो लक्ष्मी लेकर के आई है, जिसने 18 से 20 लाख तक के इनाम जीत चुकी है। और उसके अलावा जो इसके बच्चे जो इन्होंने सेल किया है, कोई 1.25 लाख का, कोई 1.5 लाख का, कोई 2.5 लाख का। तो अगर वैसे तो इस गौ माता की कीमत कैसे आकी नहीं जा सकती, वैसे करोड़ों में मानिए, क्योंकि जब इसके हर एक बच्चा जो लाखों में बिक रहा है, तो 15 से 20 बार बच्चे को जन्म देती है देसी गौवंश। तो अन्य गौधन भी आप इनका देख सकते हैं, ये देखिए कतार में, ये देखें एक काफ़ी ऊंची कदकाठी की गौ माता आपको दिखा रहा हूं मैं, हरियाणा नस्ल की, बहुत ज़्यादा बेहतरीन। एक बार इसकी और डिटेल दें जी, सामने आए जी नसीब जी। ये देखिए जैसे ही मालिक ने हाथ लगाया तो पीछे से पूंछ उठा दिया, तो प्रेम भी देखने को मिल रहा है, गौ प्रेम यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये कौन से ब्यांत की है, क्या है इसकी डिटेल बताइए। तीसरे ब्यांत की भाई। अच्छा तीसरे ब्यांत की। हाँ जी। अच्छा अच्छा जी। हाँ। तो इसका दूध उत्पादन क्षमता कितनी है? 7-8 दिन की इसका 15+ से ऊपर दूध है, 15+ दूध है। इसका भी नाम रखा आपने कुछ? हाँ रानी के नाम से चल रही है। रानी के नाम से। हाँ जी। ठीक है जी, ठीक है। तो अडर क्वालिटी में एक बार जरूर दिखाना चाहूंगा इस गौ माता की, टिट्स की स्पेसिंग बहुत बेहतरीन। और पीछे से भी आप देखिए, ये देखें इसको और एक बार चला के दिखा दो अंकल जी। नन्हे काप भी आप यहां पर देख सकते हैं, ये देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी छोटी सी गौ माता। और इसके अलावा भी आप देख सकते हैं एक और गौ माता इधर, और ये देखिए काफ़ी ऊंची कदकाठी है इस गौ माता की, और ऊर्जावान सींग, ये देखें चलने से इसका व्यक्तित्व पता चलता है, बहुत ही खूबसूरत। हाँ एक बार और माता, तो अडर क्वालिटी देखिए इस गौ माता की, ये देखें, ये देखिए बिल्कुल चपटा अडर है, चारों थन स्पेस काफ़ी अच्छा है। ये देखिए आगे से देखिए स्पेसिंग देखिए, करीबन करीबन जो स्पेस है सामने से वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखें नीचे से दिखाना चाहूँगा, टिट्स के बीच में स्पेसिंग बहुत ही बेहतरीन। ये देखें दूध से लबालब कूप देख सकते हो आप। ठीक है जी, ठीक है। और इधर आप देख सकते हैं शांति का बेटा पिछली बार का, तो काफ़ी शांत। इधर एक बार घुमा दो, इधर मुंह करवा दो थोड़ा सा। ये देखिए चेहरे मुरे के बनावट देखिए, जब पूरा जब सांड तैयार होगा तो उस समय देखने लायक होगा। तो आंखों के काले घेरे, और इसका सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो पोल आप देख सकते हैं माथे का, ये देखें बिल्कुल वी शेप बनती हुई, ये देखें दोनों उंगलियां फिक्स हो रही हैं।
ये बहुत कम हरियाणा नस्ल में भी देखने को मिलता है। तो पोल बहुत ही बेहतरीन और टेस्टिकल, अभी से मैं इसके दिखाने चाहूँगा आपको। ये देखिए, किसी भी प्रकार की त्रुटि इनमें नज़र नहीं आ रही, बहुत ही शांत और बेहतरीन। ये देखिए फोन को चाट रहा है, तो टेस्टिकल भी देख सकते हैं आप। तो अंकल जी, इसकी कितनी एज होगी? इसके 11 महीने होगा। अच्छा, 11 महीने। ठीक है जी, तैयार करोगे इसको ब्रीडिंग के लिए? अभी तो समय बताएगा भाई, करें ना करें। अच्छा अच्छा, अभी तो इसका समय बताएगा। ठीक है जी, ठीक है। और इसके अलावा जो एक और गौ माता है उसकी, और ये वाली भाई अभी 10-11 दिन की ब्याई है, 10 लीटर दूध है थोड़ा भी। अच्छा, 10 लीटर दूध है। हाँ, थोड़ी ही अब ब्याई थी, थोड़ी तकलीफ में आ गई थी, इसलिए 10 लीटर दूध है। अच्छा अच्छा जी, हाँ। और ये परली 5 महीने ब्याई होगी आज, इसका 13-14 लीटर दूध तैयार है। अच्छा, इसके भी हैं? हाँ, 14 लीटर दूध तैयार है आज की डेट में। आज की डेट में भी 5 महीने की है, 5 महीने ब्याई हुई होगी। हाँ, तो बहुत ही बढ़िया। हाँ, तो एक बार 14 लीटर है, 20 लीटर मेरे घर पर निकाला है इसमें, क्योंकि कोई मेला को नया नहीं, इसकी ऑन द रिकॉर्ड मेला मुक्ति कोई ना कोई। ठीक है जी, ठीक है। तो एक बार जो ये शांति की बछड़ी है, ये शांति की बच्ची है, एक बच्ची या इसकी बीच वाली की, इसकी या है या इसकी रानी की बच्ची है, सारी बच्ची है सारी। ठीक है जी, ठीक है। एक बार जो मेडल या जो भी आपने पुरस्कार जीते हैं, तो उसकी और झलक थोड़ी सी दिखलाएं एक बार। चलो बैठक में दिखा देते हैं, सारा बैठक भरी है, 31 दिखा। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो इनके घर में जो बैठक है, तो उसके अंदर इनामी राशि और इनकी फोटो में आप देख सकते हैं। तो काफी इस गौ माता ने इनाम जीते हैं। तो ये देखिए, प्रकाश सिंह बादल से इनाम लेते हुए आप देख सकते हैं, और नीचे आप देखिए। तो इस तरह से पशुपालकों के पास इस तरह के ये मेडल ही मानिए इनके, किसी ओलंपिक से कम नहीं है। तो ये देखिए, कोई सेकंड प्राइज, कोई थर्ड प्राइज, कोई फर्स्ट प्राइज, तो बहुत ही सारी चीज़ें मेरे को देखने को मिल रही है यहाँ। तो इनको मैं वन बाई वन, तो ये देखिए, इसमें देखिए शांति गौ माता, और इधर भी आप देख सकते हैं, इधर भगत सिंह जी को देख सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस, और ऊपर देखिए आप, इधर नसीब की गाय शांति ने 19.560 किलोग्राम दूध देकर फिर जीता पहला इनाम। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, ये देखिए, तो बहुत ही सुंदर गौ माता, कीमत करोड़ों की मानी है, क्योंकि ऐसी गौ माता की कोई कीमत नहीं होती। राष्ट्रीय डेयरी मेला, इधर भैंसों के साथ भी आप देख सकते हैं इनकी, और ये इनके बेटे आप देख सकते हैं मुर्रा भैंस के साथ। तो काफी पुरस्कार इन्होंने जीते हैं। ये देखिए, ये शांति की बेटी इन्होंने बताया। इसके अलावा भी आप इधर देखिए, ये देख सकते हैं आप गौ माता के साथ, और इनकी एक और फोटो अन्ना हजारे जी के साथ, और भाई आधे फोटो बैग में डाल रखे हैं। अच्छा, आधे फोटो को जगह नहीं, बैग में डाल रखे हैं। हाँ, आधे फोटो बैग उसमें डाल रखे हैं। अच्छा अच्छा जी, तो आप उनके बेटे हो नसीब जी के? हाँ जी। आपका शुभ नाम जी? मेरा अमित नाम है जी। ठीक है, एक बार आपके मोबाइल नंबर जरूर बताएं आप। मोबाइल नंबर है मेरे पापा का है 9469621300, 9469621300, और दूसरा है उनका 9832533512। तो इतना अच्छा पशुधन दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इनामी राशि, ये देखिए एक और फोटो रह गया, ये तो शांति गौ माता का बहुत ही सुंदर, ये देखें अर्डर की क्वालिटी, इसमें भी आप देख सकते हैं नसों का जंजाल, देखिए बहुत ही खूबसूरत गौ माता।